हे गाइस, वेलकम टू सी ए फाउंडेशन क्लासेस। आई एम वृंदा चुग। और आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस मेरे को आ रहे थे। आई वॉज फ्लडेड विद मैसेजेस इंस्टाग्राम। मैंने आईडी दी एंड मैं 3 दिन तक कॉन्स्टेंटली रिप्लाई कर रही थी, बट मैं सारे मैसेजेस आज भी रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ। आई एम रियली सॉरी, बट आई एम ट्राइंग। मैसेज मैं पक्का कर दूंगी आपको, बस थोड़ा सा टाइम दो मेरे को। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स, मतलब जिन्होंने मेरे को मैसेज किया, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की सेम क्वेरीज थी कि मैथ्स कैसे पढ़ें, फिर लॉ में जो केस स्टडीज़ आती हैं उसका आंसर कैसे करें, ये सारी चीज़ें थी। तो आई थॉट कि मैं इस पे वीडियो बना दूं ताकि और भी स्टूडेंट्स को हेल्प मिल जाए। सो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ पर्टिकुलरली लॉ के पेपर में। लॉ के पेपर में केस स्टडी, जो भी आपके केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उसको आपने अटेम्प्ट कैसे करना है। तो सबसे पहली चीज़ और बहुत कॉमन क्वेरी थी ये कि क्या मैम सेक्शन नंबर्स लिखने हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको सेक्शन नंबर्स लिखने हैं। इफ़ यू आर 101% श्योर तो आप लिख सकते हो। अगर आप 1% भी कम, 99% भी श्योर हो और 1% आपको लग रहा है कि गलत हो सकता है, प्लीज़ डोंट राइट। गलत लिखने के मार्क्स ज़रूर कट जाएंगे, सही लिखने के आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे नहीं। हाँ, इम्प्रेशन अच्छा जाएगा, कोई ये नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने वाले हैं उसके लिए, ऐसा नहीं है। बट अगर गलत सेक्शन कोट करके आते हो तो मार्क्स ज़रूर कट जाएंगे। तो प्लीज़ मेक श्योर, अगर आप 101% श्योर हो तो ज़रूर लिख के आओ, अदरवाइज़ यू कैन टोटली स्किप। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया हमारा सेक्शन नंबर कोट करना है या नहीं करना है। सेकेंड इज़, मतलब बच्चों ने मेरे से ये भी पूछा कि मैम, मतलब अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आए या 5 नंबर का क्वेश्चन आए, हमें कितने पेजेस में आंसर लिखना है? गाइस, ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम नहीं है, बीकॉम एमकॉम आप नहीं कर रहे हो, आपको पेजेस भरने हैं, ऐसा नहीं है। सीए है, सीए बीइंग अ प्रोफेशनल कोर्स, आपको टू द पॉइंट लिखना है। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है या 5 नंबर का क्वेश्चन है और आपका आधे पेज में आंसर ख़त्म हो गया एंड यू आर लाइक, मैंने सब कुछ, मतलब सब कुछ मेंशन कर दिया है, पूरा आंसर मेरे को अच्छे से आता था, सब लिख के आया हूँ, मोर देन एनफ, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देखोगे वो वही 4-5 नंबर का हो, बट आपका कंटेंट ज़्यादा हो, तो वो शायद 1-1.5 पेज का जा रहा हो। ओके, नो प्रॉब्लम। तो आपके प्रोविजन पे, आपके आंसर पे डिपेंड करेगा, उसे ज़बरदस्ती लेंदी मत करो। मेक श्योर आप अच्छे से लिख रहे हो आंसर, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मतलब ये नहीं कि आप स्किप कर रहे हो या फिर आप कंटेंट बढ़ाने के चक्कर में कुछ भी लिखे जा रहे हो, चीज़ें रिपीट कर रहे हो, जो चेकर होगा भाई उसे फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। उसे सिर्फ आपकी कॉपी चेक नहीं करनी है, उसके पास बहुत सारी कॉपीज़ हैं, बहुत सारी कॉपीज़ चेक करनी है। तो प्लीज़ अननेसेसरी डिटेल्स मत लिखो, अच्छे से प्रेजेंट करो। आपको क्वेश्चन आता है, जो भी कीवर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उन्हें अंडरलाइन करो ढंग से, प्रेजेंटेशन अच्छी रखो बेसिकली। ठीक है, स्पेसिफिकली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में आप कीवर्ड्स हाईलाइट करके आओगे तो एग्जामिनर को लगेगा यार बच्चे को आता है, तो वो आराम से आपको मार्क्स देगा। ठीक है, सेकेंड वॉज कॉन्टेंट की हमारी लेंथ क्या रहने वाली है। कॉन्टेंट की लेंथ के बाद फिर हम आते हैं कि हमें आंसर लिखना कैसे है अपना। कोई भी क्वेश्चन आया, केस बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें किसी पर्सन का नाम है या कोई भी नाम दिया हुआ है, कोई अमाउंट दिया हुआ है, हमें ये सब चीज़ें बहुत ध्यान से देखनी है। पूरा क्वेश्चन अच्छे से रीड करो, फिर आप देखो कि कौन से एक्ट का है, कौन सा सेक्शन है, या सेक्शन नंबर नहीं पता बट आपको सेक्शन पता है कौन सा है। अच्छे से इंट्रोडक्शन दो, इंट्रोडक्शन देने के बाद आप नेक्स्ट पैराग्राफ लिखो। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में आप पूरा केस, जो भी आपका सेक्शन है और जो हमारा केस है, उसे रिलेट करोगे, पूरा रिलेट करोगे। मेक श्योर उसमें किसी बंदे का नाम है या जो भी लिखे हुए हैं, जो भी नाम आ रहे हैं, किसी फर्म का नाम है, कोई अमाउंट है, वो सब आप स्पेसिफाई कर रहे हो। प्लीज़ उन्हें मिस मत करना। अगर आप नहीं लिख रहे हो आपके आंसर में, सपोज़ करो एक आंसर में लिखा हुआ है अभिषेक, नाम लिखा हुआ है अभिषेक, और आपने कहीं भी मेंशन नहीं किया, ठीक है, तो इट इज़ नॉट गुड। मतलब आपको अच्छे से लिखना नहीं आ रहा है आंसर, तो आपको स्पेसिफाई करनी है सारी चीज़ें, जो भी नाम है, अमाउंट है, सब कुछ हमें क्लियरली लिखना है उसमें। देन थर्ड पैराग्राफ में यू विल बी कंक्लूडिंग
कि एक्चुअली आंसर है क्या, मतलब वो पूरा कॉन्क्लूजन आपको ढंग से लिखना है. तो जो भी केस स्टडीज आएंगी हम तीन पैराग्राफ्स में लिखेंगे. फर्स्ट विल बी योर इंट्रोडक्शन, देन कम्स योर केस और हमारे सेक्शन का कोरिलेशन, मतलब क्या है, कैसे आप साथ में बिठाओगे, प्लस थर्ड पैराग्राफ में आपको लिखना है कॉन्क्लूजन. आई होप मतलब मैं आपको क्लियर कर पाई कि आंसर्स आपको लिखने कैसे हैं. अब आप प्रैक्टिस कैसे करोगे, प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद अपना लॉ पढ़ने जैसे आप पढ़ रहे थे अभी तक, प्लीज़ इसे मत पढ़ना. मेरे को पता है कैसे पढ़ रहे होगे आप, बुक उठाई, रीड किया, हाँ ठीक है ये वाला सेक्शन ये है, मतलब एक बारी रिकॉल करके शायद आप देख रहे होगे. मेक श्योर जब भी आप कोई क्वेश्चन, मतलब कुछ भी आपने सेक्शन पढ़ा है, या फिर आपने सपोज कर लो एक टॉपिक पढ़ लिया नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो वाला यूनिट आपने करा, उसके बाद उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके देखो, लिख के देखो, और फिर खुद ही आप क्रॉस चेक करके देखो, बुक में से रीड करो आंसर, और जो आपने लिखा है कितना मैच कर रहा है, मतलब आप क्या वो लैंग्वेज लिख पा रहे हो. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लॉ वाले वर्ड्स लिखो, ठीक है. अपनी जो बेसिक इंग्लिश है हमारी वो हम कम, मतलब ऑब्वियसली आप लिखोगे आंसर तो इंग्लिश यूज़ होगी, ऑब्वियसली आप इंग्लिश में ही लिखोगे, बट हमें लॉ वाले वर्ड्स जो भी हमारे सेक्शन है वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से लिखनी है. प्लस कोई भी कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है या कुछ भी ऐसा है, प्लीज़ उसे चेंज मत करो, अपने अकॉर्डिंग मोल्ड मत करो, जो है उसे वैसे रहने दो और एग्जैक्टली वही आप लिख के आने वाले हो. उसे समझ के लिखना, मतलब रट के मत जाओ, रटोगे तो शायद भूल जाओगे, समझोगे याद रहेंगी चीज़ें, आराम से आप लिख पाओगे. और लॉ में लिखने की प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी आपको, बहुत सारी. आई होप आपको थोड़ा सा क्लियर हो पाया कि आपको लॉ के पेपर में बेसिकली केस स्टडीज़ जो हैं कैसे अटेम्प्ट करनी है. तो अब इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करें. किसके साथ शेयर करोगे, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनका एग्ज़ाम आ रहा है May 19 और November 19, जो भी अटेम्प्ट है उनका, प्लस जो आपके फ्रेंड्स थे, मतलब अगर आपका क्लियर हो गया है और आपके कुछ फ्रेंड्स थे जिनका क्लियर नहीं हो पाया है, तो प्लीज़ उन लोगों के साथ भी शेयर करो. एंड और सारी वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब करो. बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट.